rift in the Haryana BJP as well ahead of the assembly election. Several MLAs of the party, including the likes of Ranjit Singh Chaudhary and Lakshman Napa, have decided to quit the BJP after the party denied them tickets to contest the forthcoming elections. This also comes after under 24 hours since the BJP announced its first list of 67 candidates on Wednesday. BJP also decided to drop its MLAs in Gurgaon, Pehowa, Sohna, Faridabad and Palwal for the Haryana Assembly elections. My colleague Ranjita is joining me on the phone line to get more details. Ranjita, jahan tak Haryana Assembly elections ki baat hai, wahan pe Congress ne abhi tak apne list nahi jari ki hai. Hum expect kar rahe hain ki aaj wo declare ho sakta hai, but bade naam jahan tak aate hain, wahan pe Vinesh Phogat aur Bajrang Punia, kya unko tikte milengi? But iske ilawa Kumari Sehgal, Randeep Singh Surjewala, Dipinder Hudda and Bhupinder के बीच में जो रिफ्ट है, जो अनबन चल रही है, उसके बारे में भी जानकारी दें। सामने देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि 10 सालों तक बीजेपी सत्ता में रही और एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और कांग्रेस सरकार बना पाएगी, और यही वजह है कि टिकट बंटवारे को लेकर काफी गंभीरता बरती जा रही है। जिन नेताओं का आप जिक्र कर रही है, उन्ही नेताओं के बीच आपसी खींचतान की कांग्रेस की लिस्ट जो है वो जारी नहीं हो पा रही है। कल कहा जा रहा था कि जो जिन लिस्टों को या जिन नामों को सीईसी की तरफ से क्लियरेंस मिल गया है, पहले लिस्ट कल कांग्रेस जारी कर सकती थी, लेकिन सब कमेटी की बैठक में एक आम सहमति नेताओं के बीच नहीं बनने की वजह से आज फिर सीईसी की बैठक कॉल की गई है। सीधे तौर पर हुड्डा और गैर हुड्डा की जो राजनीति, जो लंबे से हमने कांग्रेस पार्टी के अंदर देखा है, वो अभी भी बरकरार है। कई बड़े नेता कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला का ये आरोप है कि तो स्क्रीनिंग कमेटी उनकी बात सुनता है और ना ही सब कमेटी में उनकी बातों को बहुत तवज्जो दी जा रही है। यही वजह है कि आज सीईसी की बैठक 5 बजे बुलाई गई है। उम्मीद जरूर ये की जा रही है कि इन तमाम जो मनमुटाव है, जो आपसी खींचतान है, उसका निवारण आज सीईसी की बैठक में किया जाएगा। जहाँ तक बात विनेश फोगाट और पुनिया की है, इन दोनों की ज्वाइनिंग की बात कही जा रही है। सूत्रों का कहना है कि आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर दोनों ही जो पहलवान है उनकी ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी में होगी। ये भी है कि फोगाट को कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है, जालान से वो कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती है, वही बजरंग पुनिया को संगठन का काम दिया जा सकता है। जी बिल्कुल रंजीता, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। Clearly, there is going to be more than what meets the eye as far as the internal rift and politics behind the candidates list that Congress is set to declare later in the day. And we will be keeping a close track of all the developments that takes place in the story.